जारी, जहां महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में भी निर्वाचित पांच साल की अवधि है, हम लोगों ने इसको लागू किया है। हर तरह से महिलाओं के लिए कहा आतंकवाद के खिलाफ सब लोग एकजुट हो गए और अब जिस तरह से कार्रवाई हो रही है आतंकवाद के खिलाफ, मैं उसके लिए देश की सेना को सलाम करता हूं। माननीय मोदी जी को इस बात के लिए मैं बधाई देता हूं। जो कुछ भी हुआ, सीआरपीएफ के जवान हमारे शहीद हुए, ये पटना जिले के मसौढ़ी के तरेगना डी के संजय कुमार सिन्हा जी, भागलपुर के कहलगांव के रतनपुर के रतन कुमार ठाकुर जी, ये उस घटना में शहीद हुए। इसके बाद आतंकियों के साथ मुकाबले में फिर हमारे बिहार के बेगूसराय के जिले में रहने वाले सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर पिंटू कुमार सिंह शहीद हुए। मैं उस सभी शहीदों का अभिनंदन करता हूं। और आतंकियों को बढ़ावा देने वाले जो तत्व हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है और उस कार्रवाई के दौरान जो हमारे वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को जो वहां लोगों ने वहां पकड़ा पाकिस्तान ने और अंततो कत्वा उन्हें उनको रिलीज करना पड़ा 60 घंटे के अंदर, और इसके लिए मैं भारत सरकार को और अपनी सेना को बात के लिए बधाई देता हूँ। और मैं विंग कमांडर अभिनंदन का अभिनंदन करता हूँ अपनी तरफ से और आप तमाम लोगों की तरफ से। और जानते हैं ये सब काम तो चलेगा।